अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाफर हुसैन और आप देख रहे हैं सुपर स्टार्स। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स पर है। इस गेम्स में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। जैसा कि ये इवेंट हो रहा है इंटर यूनिवर्सिटीज़ का, मैक्सिमम 50 प्लस यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आई हुई हैं जो पार्टिसिपेशन में, और इसी तरह पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो ऊपर आता है। रिसेंट जो फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ है सऊदी अरेबिया में, फोर नेशन सीरीज़ का, उसमें पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल लिया है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट अदर गेम्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, लेकिन हमें ज़रूरत है मैचेस की, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस दिए जाएँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटर यूनिवर्सिटी हो रही है, तो ये ख़वातीन और दूसरे जो प्लेयर्स उनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि प्लेयर्स का टैलेंट आगे आ जाए। अभी हम रिसेंटली फुटबॉल खेल के आए हैं, फोर नेशन सीरीज़ सऊदी के ख़िलाफ़, और दो तीन टीम्स और थी, तो उसमें मैंने गोल स्कोर किया कॉमरोस के ख़िलाफ़। बड़ी खुशी हुई और पूरी टीम के लिए प्राउड फील था, और हमें ऐसी मतलब इंटरनेशनली हमें गेम्स चाहिए ताकि हम अच्छे से पार्टिसिपेट करें और आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वॉलीबॉल खेलते हैं माशाल्लाह, इनके कोच भी बड़े लंबे हैं, लेकिन जो बाकी खिलाड़ी हैं बड़ी पुरजोश हैं कि इस गेम्स में बड़ा अच्छा कारकर्दगी दिखाएंगी। किस तरह सोच के क्या लेकर आएंगे, अपने क्या एम बनाए? आई थिंक हमारे वैसे कोच साहब तो बहुत अच्छे हैं, वो हमारी इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है। वी हैव बीन वर्किंग ऑन रोटेशंस, हम लोग काफ़ी न्यू एडिशंस हैं टू द टीम, और हमारी कैप्टन नीर सना जो हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प किया हमारी, तो हम लोग कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन पे हमने बहुत काम किया है। तो इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट वो आप लोगों को नजर आएगा फॉर श्योर। एक्टिवनेस ज़्यादा दिखाई देती है बजाय कि आप लोग का टीम वर्क ज़्यादा बेहतर है? दोनों माशाल्लाह से, क्योंकि हमारी जो न्यू इंडक्टिव है माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, हमारी पुरानी टीमें भी बहुत अच्छी हमारी प्लेयर्स थी, और काफ़ी मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है। सो आई एम रियली रियली होपफुल फॉर दिस टूर्नामेंट। हमें लगता है पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारे पूल में है, तो इट माइट गिव अस अ टफ टाइम, लेकिन हम फिर भी काफ़ी पुरउम्मीद हैं और पुरजोश हैं कि हम मतलब जीत के दिखाएंगे। हमारे सारे प्लेयर्स रोटेशन में माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेलते हैं, तो वो हमें कैच है सब पे। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से ये खिलाड़ी जितने भी हैं ये पूरे पाकिस्तान में अपनी कारकर्दगी दिखाती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में भी जाती है। आप थोड़ी हाइट कम है लेकिन आप खेलते बहुत अच्छा होंगे मुझे अंदाजा है। ये वॉलीबॉल के अंदर इतना फर्क नहीं पड़ता, आपके पास स्किल है तो आप कर सकते हो। हमारी टीम की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है माशाल्लाह, तो आई डोंट थिंक हमारे साथ मसला। सबसे अच्छी दोस्त कौन सी है? ऐसे तो नहीं, मेरे सती सारी बहुत अच्छे दोस्त है। आप बताइए। ट्रैवल बहुत अच्छा था, मज़ा आया, ट्रेन में सारे दोस्त साथ थे तो बहुत मज़ा आया। बाकी वी आर एक्साइटेड फॉर कराची। ठीक है, रिहाइश आपको मुनासिब मिली है या कहीं ऐसे रोडों पे होटलों पे ठहरा? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मुझे आपको देखकर लग रहा नहीं है कि रिहाइश अच्छी है। जो हालात इनके नज़र आ रहे हैं ऐसा लग रहा नहीं है। आप बताइए रिहाइश क्या बोले? बस सब बहुत एक्साइटेड हैं, हम लोग काफ़ी वो उसमें आए हैं, जोश में आए हैं कि हमने ये यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट जीतना है या नहीं जीतना, जो भी है हमने अपना बेस्ट दिखाना है, अपने स्किल के मुताबिक खेलना है, और इंशाल्लाह जो है हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आप लोग एक्साइटेड तो हैं लेकिन कोई ऐसा जोश और जज्बा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा शोर शराबा करके दिखाए ना किस तरह का जोश जज्बा है। ऐसे मज़ा नहीं आया। कराची में बड़ा इवेंट हो रहा है, लेकिन ये जितनी बच्चियां हैं यहाँ पे कुछ नाखुश भी हैं और कुछ बहुत ज़्यादा खुश हैं। कौन किस हाल में है बात करते हैं। किस तरह आप देख रहे हैं, किस तरह खाने को मिल रहा है, क्या कर रहे हैं आप? जिस हिसाब से बड़ी यूनिवर्सिटी है इस मुताबिक मुझे नहीं लगता कि यहाँ का टेस्ट अच्छा है, और वैसे भी चीज़ें वगैरह मुझे सही नहीं लगी। आप लोगों ने क्या क्या खाया? हम लोगों ने आज बिरयानी खाई है और साथ में मैक्रोनी और पास्ता। अच्छा, आपको क्या पसंद है खाने में कराची का सोहा? मुझे कुछ नहीं पसंद। यकीनन यहाँ पे जितने पंजाब से ये एथलीट आई हुई हैं इन सबको बिरयानी बहुत पसंद है, बिरयानी के मज़े ले रहे हैं। और आगे किस चीज़ के मज़े हैं बिरयानी के अलावा? और जीत के देखने का समंदर, देखने का मज़ा। कराची का समंदर आपको अच्छा लगता है? बहुत। क्या देखा, गई अभी तक आप? अभी देखेंगे, लेकिन शौक है जाने का, इसके बाद इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे। पाकिस्तान वॉलीबॉल की बेहतरीन एथलीट हमारे साथ मौजूद हैं अरूज जाहिद, जो कि फ्यूचर प्लान के हवाले से हमें बताएंगे बहुत कुछ करने वाली हैं, क्या करने वाली हैं। अरूज, ये बताइए कि कब से स्टार्ट किया और अब क्या प्लान है? मैंने अपनी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था, और वहाँ से फिर मैंने HSC के लिए मेरी सिलेक्शन हुई, उसके बाद मैं
पाकिस्तान कैंप में गई, उसके बाद वहाँ से मेरी गेम इंप्रूव हुई और मेरे कोचेज़ ने यूनिवर्सिटी से इतनी गेम इंप्रूव हुई। उसके बाद मेरी फ्यूचर प्लानिंग यही है कि मैं किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके उनकी तरफ से खेलूँ। सिलेक्शन के बाद अभी हमारी और बच्चियाँ सेलेक्ट हुई हैं जो एम्पावर स्पोर्ट्स अकेडमी हमें स्पॉन्सर कर रही है, तो अमेरिका के लिए इंशाल्लाह वहाँ ट्रेनिंग करेंगे और फिर सैफ गेम्स का प्लान है और इंशाल्लाह उसमें हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अपने अमेरिका के क्या है ये, थोड़ी सी डिटेल बताइए। वो हमारी ट्रेनिंग के लिए कि हमारा ट्रेनिंग वहाँ होगा, 5 मंथ का कैंप लगेगा वहाँ पे। कितनी बच्चियाँ होंगी वहाँ पे, कौन कौन जाएगा? 6 बच्चियाँ सिलेक्ट हुई हैं हमने से, तो वो अमेरिका में जाके ट्रेनिंग करेंगे इंशाल्लाह। ये कब का प्लान है आपका? ये अप्रैल का। अप्रैल जी। ये सब हमें पावर स्पोर्ट्स अकेडमी स्पॉन्सर कर रही है, थैंक यू। गैरीजन यूनिवर्सिटी से आए हैं, इधर रहायश हमारी है जोहर टाउन में, ठीक है, यूथ हॉस्टल में रहायश हमको अच्छी मिली हुई है, लेकिन जो खाना पीना है वो हम खुद से खा रहे हैं। कुछ खाया पिया कराची का कोई सौगात आपने? जी, कराची बिरयानी खाई है। अच्छा, तो रोजाना बिरयानी खा रही है? जी, यही मिलते हैं। यही मिलता है और कुछ नहीं मिल रहा आपको यहाँ? नहीं, बाकी कुछ इतना होता नहीं है खाने। मौसम भी थोड़ा खराब है तो इस वजह से हमारा गला भी खराब हो गया। मौसम तो यहाँ सबसे अच्छा, तभी तो गेम्स। अच्छा, नहीं अच्छा तो है, लेकिन मतलब अचानक से हम ठंड से फिर यहाँ गर्मी में आ गए तो इस वजह से शायद वो बुखार वगैरह। अच्छा, मुकाबले कैसे हो? बहुत अच्छे हो रहे हैं और हमने काफी अच्छा कम्पीट किया है। मुकाबले भी अच्छे हो रहे हैं और आपको मालूम है कि जितने लोग हैं पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आए हुए हैं इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। आप बताइएगा कि कुछ सहूलियात की कमी दिखाई दे रही है, आप बेहतर महसूस कर रही हैं? हाँ, इनका जो कोर्ट है ना वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, बुलबुल कोर्ट जैसा होना चाहिए मैचेस के लिए वैसा नहीं है, वो इनको ठीक करना चाहिए, ठीक है, क्या ताकि प्लेयर जो है ना वो इंजर्ड ना हो। काफ़ी ज़्यादा प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं इनकी कोर्ट की वजह से। इसके अलावा कोई खाने पीने की सहूलियत? खाने पीने की भी होनी चाहिए, नाश्ता तो मस्त होना चाहिए इनको देना चाहिए, क्योंकि अभी सुबह सुबह उठ के मैच के लिए भी आना होता है, उसके बाद फिर जाके नाश्ता पहले करो, आप तैयार हो नाश्ता करो फिर मैच के लिए आओ, फिर थोड़ा मुश्किल होता है। इनको नाश्ता वहीं पर देना चाहिए जहाँ से रिहाइश होती है ना, इस वजह से। उनका किचन है नहीं कि हम भी उसको यूज़ कर सकें, हमें हर चीज़ के लिए बाहर होटल तक जाना पड़ता है और होटल भी तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, वॉकिंग डिस्टेंस इतना भी थोड़ा नहीं है कि हर चीज़ लेने के लिए जाना पड़े, तो प्रॉब्लम्स तो होती है ना। लेकिन ये इनको चाहिए नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करें तो कोशिश ये करें कि जो खाना पीना है वो नज़दीक तरीन हो, ताकि टाइम और बे टाइम जब भी मतलब मैचों से फारो होकर जाएँ खाना हमें मैसर हो। खाना रूटीन में नहीं मिलेगा, रेस्ट सही से नहीं होगा तो हम मैचेस नहीं सही से खेल पाएंगे। और दूसरा ये भी होता है कि हम आउट ऑफ सिटी हैं तो इसलिए हमें चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है, चीज़ें अलाइन हो और वेन्यू सेम हो एक जगह पे और मैनेजमेंट थोड़ी अच्छे से अपना काम करे तो चीज़ें बहुत अच्छे से बहुत इम्प्रूव हो। कराची की क्या चीज़ पसंद आई आपको? अभी तक तो कुछ नहीं, असल में इतना ख्वारी हुई है ना हमारी एक जगह से दूसरी जगह आने में, रोड्स और ब्लॉकेज, ट्रैफिक और फिर मैच की टाइमिंग से लेट हो जाना, खाने की टाइमिंग आगे पीछे हो जाना, तो ये सारी चीज़ें मुश्किलात में आ रही हैं अभी तक तो। बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आउटस्टैंडिंग मतलब अनबियरेबल होता है सब कुछ, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज होती हैं, ये हमारी जीत हमारा सब कुछ, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, कराची में आके कैसा लग रहा है? कराची में आके बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा ट्रैफिक खेलने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमने बहुत तगड़ा नाश्ता किया था क्योंकि हम सुबह एक मैच खेल कर गए हैं, उसके बाद दोबारा आए थे इस मैच के लिए। तो दिन में कितने, एक मैच है, 4 मैच हो रहे हैं? दिन में तो 1-2 मैचेस मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं मिल रहे। रीजन यूनिवर्सिटी के साथ हमारा पहला मैच था, बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन हम लोग ने विन किया 1-0 से और आज की टीम अच्छी थी लेकिन हमने फतह हासिल की तो हम बहुत खुश हैं, 3-0 से हम आज जीते हैं। सारी फैसिलिटीज़ मिल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बहुत खुश हैं कराची आके, और इंटर यूनिवर्सिटीज़ हो रही है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पर। किसी भी खेल को प्रमोट करने के लिए, उसके बेसिक बुनियादी चीज़ों को बताने के लिए, एथलीट को समझाने के लिए, ट्रैक तक लाने के लिए एक स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर का बड़ा किरदार होता है। जो ग्रास रूट का वर्क शुरू किया उसकी बुनियाद हमने एथलेटिक्स में भी अब रख दी है। 4 रोज़ा इवेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ और मोर देन जो है 3,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन की है और मेडल्स दिए हमने तमाम बच्चों को, इसके साथ ने भी शिरकत की है। एक अच्छी सेहतमंद एक्टिविटी जो है हमने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। अच्छा,
अच्छा माज भाई ये बताइए कि काफ़ी हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूलों में पहले हुआ करते थे लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर पे इस पर बड़ी तवज्जो दी जा रही है, गवर्नमेंट सतह पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, वजह क्या है, प्राइवेट सेक्टर इतना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व क्यों है? इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको वसी पैमाने पर करें और इंटरनेशनल टीम को भी पाकिस्तान बुलाएँ, उसके लिए वर्क टुगेदर की ज़रूरत है, स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसमें आती है कि वो एक तो बच्चों को ऐसे माहौल दें और फिर ऐसी सहूलियात भी फराहम करें कि जिसके ज़रिए बच्चे नए से नए गेम सीखें। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये देखते हैं कि बच्चे क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि उसको हुकूमत की तरफ से भी बहुत सपोर्ट है, लेकिन इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे स्पोर्ट हैं जिनको हर सूरत में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी सपोर्ट करना चाहिए और फिर ऑन द लॉन्ग रन यूनिवर्सिटीज़ को और फाइनली गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं तकरीबन 20 साल से ज़्यादा तालीमी शोबे से वाबस्ता रही हूँ। इस सिस्टम को बने हुए 6 साल हुए हैं। आज का बच्चा जो है वो इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है, तो इसको इनक्रेज करने के लिए इन्होंने इस पे ज़्यादा फोकस किया है और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सरगर्म रहें, एक्टिव रहें, फ़ाल रहें, क्योंकि इस तरह से वो बीमारियों से भी बच सकते हैं और दूसरे उनका जो जहन है वो पॉजिटिव सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा जाता है। बच्चों पर हमने बड़ी अनथक मेहनत की है और उनको टेक्निक स्किल्स के देने के बाद हम इसको ट्रैक पे लेके आए और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा ऐसे परफॉर्म किया है और माशाल्लाह बच्चे मेहनत कश हैं और जल्दी डेवलप कर लेते हैं उस काम को और आज हमारी तमाम काबिशों के नतीजे आपके सामने हैं और हमने इनमें काफ़ी बच्चों को ड्रिल्स वगैरह, स्टार्टिंग ब्लॉक्स और रेस की टेक्निक्स बताई और ये मुसलसल चलता रहा सिलसिला, उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा पुख्ता हो गए और आज आपके सामने मैदान में या मैदान मार रहे हैं। बहुत अच्छा है होता है प्रोग्राम और एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम में। इट वाज ऑल अबाउट द टीम, दे मेड एफर्ट्स टू विन एंड वी केम विद अ लॉट ऑफ फन एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन, सो इसलिए जीतना था। मुझे लगता है ऐसे इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि ऐसे इवेंट्स हम लड़कियों को एक मौका देते हैं कि हम अपनी स्पिरिट दिखाएं। ऑनेस्टली आसान तो नहीं था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, लेकिन आई फील लाइक टीम वर्क और अपनी टीम को सपोर्ट करने से कुछ भी हो सकता है। स्पोर्ट्स इज गुड फॉर वुमेन बिकॉज इट गिव्स देम कॉन्फिडेंस एंड करेज और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बच्चे मोटिवेट होते हैं और आगे फ्यूचर में हमें काम आता है एंड इसके अलावा हमें इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। डायरेक्टर HSC जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपको मालूम है कि किस तरह के गेम्स हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आई हुई हैं इस गेम्स में हिस्सा लेने के लिए, बड़े आउटस्टैंडिंग मैचेस हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस गेम के इनेकाद का, पहली मरतबा कराची में इनेकाद हुआ, क्या कहेंगे सर? एक पैशन है हमारी बच्चों में कि स्पोर्ट्स में कुछ कर दिखाने का और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो मौाक़े अगर बच्चे और यूथ को जो हमें मिले तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा आगे वर्ल्ड कप जो आ रहे हैं, आगे जो ओलंपिक्स आ रहे हैं, एशियन गेम्स आ रहे हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। जावेद साहब बड़ी बेहतरीन इकदाम कर रहे हैं आप, लेकिन आपने अभी बताया कि बच्चियों की नींदें भी आपने हराम किए हुए हैं, सुबह शाम मैचेस वगैरह चल रहे हैं, लेकिन कुछ शिकायतें ये भी आई कि उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, क्या ऐसा बजट नहीं था कि उनको खाने का? सर मैं आपको बताऊँ, आप मेरे साथ अभी कैफेटेरिया में चले, NED यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में आप देखेंगे कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी है हमारी यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, अच्छी देती है, तो ये गलत बात है। बाकी ये कि हम बच्चियों की एकोमोडेशन, हम ट्रैवलिंग, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चियों को DA भी दिया जाता है, एक तरीक़ेकार होता है, रूल्स हमने रिवाइज कर दिए फाइनेंशियल, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री और इसकी बड़ी लेगेसी है स्पोर्ट्स की। गो के कराची यूनिवर्सिटी शदीद माली बहरान का शिकार है, सभी के इल्म में है, लेकिन उसके बावजूद हमसे जो मुमकिन हो सका हमने सहूलियात बच्चों को दी और इस वक्त तक आर्चरी में मेंस में हम सिल्वर पूरे पाकिस्तान में और गर्ल्स में हम गोल्ड पहली पोजीशन पर इस वक्त हैं। फुटबॉल और हॉकी के दोनों के सडन डेथ के ऊपर हम लोगों ने सेमीफाइनल में लूज़ किए। शेड्यूल बड़ा टाइट था, रात को 2 बजे मैचेस ख़त्म हो रहे हैं तो सुबह जो है ना अर्ली शुरू हो रहे हैं, तो बड़े थकन का शिकार भी थे एथलीट, तो कोई ऐसा शेड्यूल बनाया था जिसमें जो है ना खिलाड़ियों को रिलैक्स हासिल होता? फ्रेंकली स्पीकिंग हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं करते इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन होगी, हम लोग सोच रहे थे 15-20-22 यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगी या तो क्लोज टू 50 के करीब यूनिवर्सिटीज़ आ गई और अब आप सोचेंगे अगर वॉलीबॉल का इवेंट हो
और वॉलीबॉल के इवेंट में बेस्ट ऑफ फाइव का एक राउंड होता है और उस राउंड को भी अगर नज़र में रखें तो सोचिए कितने मैचेस होंगे लीग बेसिस पे, चार पूल बने, चार पूल्स के अंदर फिर मैचेस होना। तो इसी तरह से फुटबॉल, हॉकी, हर जगह ये था। नो डाउट आपके पास दुरुस्त है, आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया। इवेंट सखर हमें ऑर्गेनाइज करना था लेकिन HEC की रिक्वेस्ट में हम, क्योंकि यहाँ पे सिंध के गेम्स हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपको कराची में होस्ट करना है, इस वजह से हम ये इवेंट कराची में होस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिकायत आई कि यहाँ पे जो है ना वो छत नीचे है और नीचे जो वुड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, खेलने में बड़ी परेशानी हुई प्लेयर्स को। हमने बेहतरीन इंतजाम किए हैं, ओवरऑल पाकिस्तान से जो जो यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, वेन्यू से लेके अकोमोडेशन से लेके उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ हमने का इंतज़ाम किया है। इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, इन गेम्स के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि यकीनन ये गेम्स बड़े ज़रूरी होते हैं नर्सरी लेवल पे। देखिए, एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है पढ़ाई का, तो मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा जो इन्वायरमेंट बनाया गया एक पूरे पाकिस्तान की इंटरवर्सिटी कराने का, तो उसके अंदर से टैलेंट नज़र आया हर गेम में, जिसमें HEC की टीम को हम बना रहे हैं, फुटबॉल की टीम को जो आने वाली नेशनल वुमेंस चैम्पियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। तो आई एम ग्रेटफुल टू दी फुल HEC मैनेजमेंट की उन्होंने मुझे ये टास्क दिया और मैंने देखा कि बड़ी टैलेंटेड बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी स्किलफुल हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब इतना बड़ा पूल यूनिवर्सिटीज़ का आके खेलता है, 300-400 बच्चियों का खेलता है, तो उसमें से टीम बनाना, सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चियाँ टैलेंटेड हैं काफ़ी। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो आके पार्टिसिपेट ड्रॉज में तो हैं लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं समझता हूँ कि उनको भी उन यूनिवर्सिटीज़ को इनक्रेज करना चाहिए कि अपनी टीमें बनाएँ और बजाय वॉकआउट देने के वाकई इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि हम और बच्चियों को देख सकें यूनिवर्सिटीज़ को और अपॉर्चुनिटी मिले।